क्या हुआ? आँख में, आँखे की इलाज करेला। आँखे की इलाज कर? हाँ हाँ। आँख में दिखाई दे रहा? हाँ। पहने दे रहा दिखा? पहने ही कलिए ना, तब इो कलिए फिर या डॉक्टर से करबे तो आँख से खूब रोशनी तो आए खूब बड़ बढ़िया है सब कुछ। देख रहा पूरा देख रहे हो सर। धूमधाम से दीपावली मनाई? अब मना के सर खूब मना के धन्यवाद कहते हैं संजय को धन्यवाद देते हैं। ये भगवान है तब ने हमको आँख सुझा दे सुझता कर तो है। आँख नहीं रहे, आँख नहीं दिखाई दे रहा। आप दिखाई दे छो? हाँ। बढ़िया से? हाँ। खूब बढ़िया से दिखाई दे छो ना? आ, इलाज कल का तो दिखाई दे रहा छो ना? ना दिखाई दे ना। अब तो दीपावली आई छे, दीपावली देख लो बढ़िया। हाँ। दीपावली का जो रोशनी का त्योहार है उसमें जिनको आँख का दिक्कत है जिनको रोशनी प्रदान हो ये बहुत खुशी की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वीजी 24 न्यूज। आज पूरे प्रदेश में जो है धूमधाम से दीपावली मना रहे हैं। सब मोतियाबिंद से जो है परेशान थे, मतलब दिखाई नहीं दे रहे थे, और जो डॉक्टर जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं, और वही डॉक्टर के सौजन्य से जो आज ये लोगों का आँख में रोशनी आए हैं। इन्हीं लोग से जानते हैं, हम देखते हैं माता सब जो है आँख में चश्मा लगाए हुए हैं और आज जो है इन लोग को ऑपरेशन हुआ। इन्हीं से बात करते हैं। कहाँ से आए? मठाई से। मठाई से? हाँ। क्या नाम हुआ? दरो देवी। कब आए? परसों या शुक्र का। शुक्र का? हाँ। क्या हुआ? आँख में, आँखे की इलाज करेला। आँखे की इलाज कर? हाँ हाँ। आँख में दिखाई दे रहा? हाँ। पहने दे रहा दिखा? पहने ही कलिए ना, तब इो कलिए फिर या डॉक्टर से करबे तो आँख से खूब रोशनी तो आए खूब धन्यवाद बाबू के धन्यवाद धन्यवाद। आज दीपावली छे, आज दीप जलते आए, देख लो दीपावली आज कते दिन के बाद। हाँ खूब देखलिए, आप देखलिए, आप देखते रहबे, आप तो और देखबा ने, आप तो और देखबे, दोनों एक से देखबे। हाँ देखिए यहाँ पे और भी माता से हम बात करते हैं। कहाँ से आए माता जी? पिपराही से। पिपराही से हैं? हाँ। क्या हुआ था? की भेल रहा? आँख नहीं रहे। आँख नहीं दिखाई दे रहा? आप दिखाई दे छो? हाँ। बढ़िया से? हाँ। खूब बढ़िया से दिखाई दे छो ना? आज इलाज कल का तो दिखाई दे रहा छो ना? ना दिखाई दे ना। अब तो दीपावली आई छे, दीपावली देख लो बढ़िया। हाँ। देख रहे हैं कि आज जो है जो परेशानी से जूझ रहे थे आज पहुंचे हैं। देखिए कहां से आए हैं? मानिकपुर चौक से। मानिकपुर चौक से? हाँ। क्या हुआ? आँख के ऑपरेशन कराए, दोनों आँख को। दोनों आँख का ऑपरेशन करा? एक तो पहले क्या आवे, एक अभी क्या सर। कब आए? अब आया 10 तारीख को। 10 तारीख को आए? हाँ 10 तारीख का ऑपरेशन हुआ है। दिख रहा है सब कुछ? देख रहा पूरा देख रहे हो सर। धूमधाम से दीपावली मनाई? अब मना के सर खूब मना के धन्यवाद कहते हैं संजय को धन्यवाद देते हैं। ये भगवान है तब ने हमको आँख सुझा दे सुझता कर तो है। आज लेकिन आज देख पाएंगे? अब देख लिया। हाँ। आप कहाँ से बाबा आए हैं? रतनपुरा से। रतनपुरा जी। कौन सा जिला? जिला तो यही है मधेपुरे जी। आपको क्या प्रॉब्लम? यही आँख का मोतियाबिंद। मोतियाबिंद था सर। ठीक हो गया? अब ठीक हो गया सर, पूरा देख रहे हैं सर पूरा। क्या कहते हैं सर को? सर को धन्यवाद देते हैं दीपावली के अवसर पर से बढ़िया आँख बन गया, दीपावली मनाएंगे शाम को। पूरा धूमधाम से दीपावली मनाइए जी। धूमधाम से मनाएंगे दीपावली। हाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो है आज जो है 35 जो है पेशेंट का जो है इलाज हुआ है, जिसके आँखों में रोशनी नहीं था जो है उस डॉक्टर की वजह से, जो इन जो पेशेंट का इलाज किए हैं उसके वजह से जो है आज सभी आदमी जो है देख पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जो कहा जाए लायंस क्लब के सौजन्य से जो है 35 आदमियों का जो है ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। देख सकते हैं सर सब है यहाँ पे, हम सर से भी जानने का प्रयास करेंगे। आज जो है 35 आदमी का ऑपरेशन हुआ है। मैम है, मैम से जानते हैं। आज मैम दीपावली है और यहाँ पे आज 35 आदमी का जो है महिला एवं पुरुष के ऑपरेशन हुआ, क्या कहते हैं इस पे? नहीं ये मुझे बहुत खुशी है कि दीपावली के अवसर में डॉक्टर लोग मतलब इतना व्यस्त रहने के बावजूद भी अपना कार्यक्रम जो है सब दिन मैंने इसमें हर क्षेत्र में वो लोग दे रहे हैं, और ख़ास करके आज
दीपावली का जो रोशनी का त्यौहार है उसमें जिनको आँख का दिक्कत है जिनको रोशनी प्रदान हो ये बहुत खुशी की बात है। और आगे के लिए भी हम यही शुभकामना देते हैं कि ये हमेशा आगे बढ़ता जाए। देख रहे सर भी हैं हमारे साथ, दीपावली है सर आज, ये लोग देख पाएंगे और ये जो है सभी आदमी आपको धन्यवाद भी दे रहे हैं जो आज भगवान के रूप में हमारे पास आए और हमारा इलाज के क्या कहते हैं इन लोगों के लिए सर? इन लोगों को सबसे पहले दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद हो और हम यही कहेंगे कि जो आपके लिए एक नई रोशनी दिया है अपने जीवन को सही से और सही काम में गुजारिए और मानवता का सेवा कीजिए। कितने दिन से कर रहे हैं आप लोग ये सर? हम लोग 2017 से कर रहे हैं। 2017 से हर साल कर रहे हैं? हर साल करते हैं, ठीक है। और हमेशा DM साहब ने SP साहब आके इसका उद्घाटन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल भी DM साहब थे जो ट्रांसफ़र हो गए वो आए हुए थे। ठीक ठीक, और इसी तरह निरंतर हम लोग करते रहेंगे इंशाल्लाह। चलिए सर, और भी सर हैं जो जिसके सौजन्य से ये पूरा कार्यक्रम से लेके पूरा जितने भी पेशेंट आए हैं, कहाँ कहाँ से पेशेंट आए हैं सर, ही सर्वो सर्वा हैं। क्या कहते हैं सर, आज तो 35 आदमी का जो है ना आँख का ऑपरेशन हुआ और वो देख पाएंगे, आज दीपावली का दिन है सर। हम लोग 650 आदमी को सेलेक्ट किए थे गांव-गांव जा करके। सहरसा जिला गए, सहरसा में लक्ष्मीपुर, गोलमा, पूर्वी पंचायत, पश्चिमी पंचायत, सारा जगह मैंने वहाँ पर मैंने कैंप लगाया रूरल एरिया में, जहाँ वहाँ कैंप मैंने लगाया जहाँ पर कि गाड़ी नहीं जा सकती है, हम वहाँ पर जा करके अपना कैंप लगाया, वहाँ पर पेशेंट को सेलेक्ट करके वहाँ से मैंने पेशेंट को लाया। फिर मतलब जो है सो मैंने भेलवा गाँव है वहाँ पर कैंप लगाया, उसके बाद रतनपुरा गाँव में मैंने कैंप लगाया, घैलार में मैंने कैंप लगाया, मुरलीगंज के बगल में है उसमें कैंप लगाया, उसके बाद जो है सो जीतापुर के बगल में वहाँ कैंप लगाया, उसके बाद जो है सो शहर में कैंप लगाया, क्लिनिक पर कैंप लगाया, इस तरह से छांटते छांटते 600 मरीज हुआ। और 600 मरीज का जब जांच करना शुरू किए तो धीरे धीरे किसी को डायबिटीज, किसी को ब्लड प्रेशर, धीरे धीरे छांटते छांटते मैंने 35 रोगी पर वो आया कि ये पेशेंट सेलेक्टेड हैं। हम और डॉक्टर जाहिद सर सर्जरी किए, हम तो उनके यहाँ पवनहंस साइकिलिंग निदेशक हैं, लेकिन सर हमारे बहुत ही मैंने वेल बिहेवियर, आज हम लोग 2008 से दोनों आदमी साथ हैं इस क्लिनिक को सर, हम लोग हमारे दोनों आदमी मिल के चलाते हैं, अभी तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, ऊपर वाला के हम यही दुआ करेंगे कि कोई कॉम्प्लिकेशन न हो जाए, क्योंकि सर्जरी के वक्त हम लोग को डर रहता है कि कुछ भी हुआ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए डर तो रहती ही है, जब तक पट्टी नहीं खुलता है तब तक हमें डर लगी रहती है, और हम इतने आदमी के बीच रहते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको ये कार्यक्रम करने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे पिताजी का स्लोगन है कि तुम बेटा कम से कम ये इस तरह की सेवा करो जिससे कि मेरा नाम ऊंचा हो। हम अपना नाम तो ऊंचा करते ही, हम अपने पिता का नाम ऊंचा करते, मेरे पिताजी बगल में बैठे हुए हैं वो भी। हाँ जी 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 जी, तो देखिए सर पिताजी से भी बात करते हैं काफ़ी जो है, हम भी आशीर्वाद देते हैं अपने बेटा को जो वो अच्छा कर्म करे और अच्छा लोगों के साथ उपलब्ध हो, उसका सब काम करे और ये नेत्रदान देते रहे, बस इतना ही कहकर समाप्त। चलिए सर से भी और भी सर हैं उन सभी से बात करते हैं। जी आज दीपावली का त्यौहार है और आज 35 आदमी का जो है ऑपरेशन होके सक्सेसफुल होके आज ये लोग देख पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और लायंस क्लब मधेपुरा की बहुत अच्छी पहल है। हम सब लायंस क्लब मधेपुरा की तरफ से आप सबको शुभ दीपावली और आगे भी हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे। ये अनोखी दीपावली सिर्फ लायंस क्लब मधेपुरा ही मनाता है, पूरे 322 में मधेपुरा एक लायंस क्लब के द्वारा ही इस तरह का दीपावली मनाए और इतना हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं, ये अद्वितीय है, ये अवर्णनीय है, मैंने जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं लायंस क्लब अध्यक्ष होने के नाते मैं सारे अपने जितने सदस्य हैं, यहाँ के जितने पत्रकार बंधु हैं, हमारे जितने पेशेंट हैं, सबको शुभ दीपावली हम कहते हैं। मुफ्त ऑपरेशन किया जाता है गरीबों का, क्या कहेंगे इस सेवा भावना को? देखिए इससे बढ़िया काम और कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बढ़कर और समाज सेवा कुछ हो ही नहीं सकती है। जरूरतमंद लोगों की जिस सेवा भावना के साथ में यहाँ के डॉक्टर लोग, लायंस क्लब के सदस्यगण
जिस सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल ही धन्यवाद के पात्र हैं और बड़ी खुशी मिलती है इन लोगों के द्वारा इस तरह का जो कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है। आज दीपावली के दिन में कई लोगों को रोशनी मिला है, दीपावली रोशनी का पर्व है, इस अवसर पर किसी को रोशनी मिलती है इससे ज़्यादा और खुशी की क्या बात हो सकती है। नई दृष्टि नई सृष्टि कार्यक्रम के तहत में आज लॉयंस क्लब के सदस्यों को द्वारा जो यह कार्यक्रम किया गया है मैं इसकी बहुत ही सराहना करता हूँ। धन्यवाद।